गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में 25 तारीख 24 तारीख को पढ़ा रहा था रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986, मतलब एनपीई 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में चर्चा कर रहा था कि इसके 23 कार्यदलीय समिति है। 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया गया, जिसमें बजट के सद के दोनों सदनों के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्तियों थे, जितने भी वरिष्ठ प्रतिनिधि थे, सबने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया और इसका गठन किया। 23 कार्यदलीय समिति का कार्यान्वयन किया गया। इसके बाद पढ़ना है हमें उसी बुलेट में 1992 इसको यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। 1990 ईस्वी में थाईलैंड में 155 देशों ने संयुक्त रूप से एक बैठक किया, जिसमें यूनिफॉर्म करिकुलम का निर्माण किया। यूनिफॉर्म करिकुलम मतलब सारे देशों में एक समान का करिकुलम लागू हुआ। क्योंकि यह थाईलैंड में 155 देशों ने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया, इसलिए इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा जाता है। भारत से प्रोफेसर यशपाल ने अध्यक्षता की थी, इसलिए भारत में इसका नाम यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। 155 देशों ने कहाँ किया था? 1990 ईस्वी में थाईलैंड में किया था, इसलिए इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इसलिए इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी बोलते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी बोलते हैं। इसमें सभी देशों में मिलकर एक यूनिफॉर्म करिकुलम की व्यवस्था की। यूनिफॉर्म करिकुलम की व्यवस्था की थी, इसलिए सभी देशों ने भाग लिया, इसलिए इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहते हैं। सभी देशों में यूनिफॉर्म करिकुलम की व्यवस्था की गई। प्रोफेसर यशपाल ने भारत से इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए भारत में इसको यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको यशपाल कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये समझें और आत्मसात करें। इसके सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत रूप से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।